नमस्कार, आभार अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है जो एग्ज़ाम्स को लेके है, CET या फिर उसको बोल दें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की NRA, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ उसके ड्रॉबैक्स और मेरिट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम बात इसी टॉपिक पे करेंगे कि क्या CET या फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो यहां पे अभी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो हमें बेनिफिट करने वाली है या फिर लॉस, ठीक है। इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं बेसिक गवर्नमेंट्स के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ उनके अकॉर्डिंग जो उनके थॉट प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे बेसिक डिस्कस कर देता हूँ, पहली चीज़, ठीक है। फिर उसके हम बात करने वाले हैं ड्रॉबैक्स और मेरिट्स की, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो NRA जो एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो क्या करने वाली है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। वो कौन सा एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स बोलते हैं जिसको, प्री एग्ज़ाम बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसका बेसिस क्या होगा, जो कॉमन एग्ज़ाम होगा, कॉमन एग्ज़ाम्स किन का, जैसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग जो एजेंसियां का 20 से ज़्यादा एजेंसियां काम करने वाली हैं, लेकिन अभी तक 3 एजेंसियों को ही इसके अकॉर्डिंग लाया गया है। कौन कौन सी, SSC, फिर बैंकिंग IBPS और RRB, ठीक है। तो इन 3 मेजर जो एजेंसी हैं उनको इसके अकॉर्डिंग लाया गया है, तो वो अभी इनके बेसिस पे काम करने वाली हैं। तो इनका जो एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग या फिर GK का जो एक कॉमन एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम, वो पहले NRA एजेंसी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वो प्री आपको क्वालिफाई करना होगा, उसका पर्टिकुलर परसेंटेज रखा जाएगा कि कितने परसेंटेज पे आप क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जो गवर्नमेंट्स के जो मेन हेड हैं, जितेंद्र सिंह जी जो हैं, वो उन्होंने क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो डिले चलता था टाइम प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा डिले चलता था, रिक्रूटमेंट पूरे टाइम से नहीं हो पाती थी। तो उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए तो वो चीज़ें करी गई हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा क्या कि एक एग्ज़ाम होगा जो कि साल में 2 बार होगा, तो उससे क्या है कि क्वालिफाई करने में आसानी होगी स्टूडेंट्स को। प्री देने के बाद आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस को फास्ट करने के, इसका एक मेन बेनिफिट जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि महिलाओं के लिए या दूर दराज के जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, तो उनमें क्या है कि दिक्कत होती है कि ट्रैवलिंग की, एक्सपेंडिचर की, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया जाए ताकि एक गरीब तबका भी उस रिक्रूटमेंट के लायक बन पाए, इसलिए वो चीज़ें करी गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉबैक्स और मेरिट्स की बात करूँ, तो बेसिक जो ड्रॉबैक या मेरिट्स की बात करूँ तो इसमें आपको फ़ायदे क्या क्या होने वाला है, ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फास्ट होगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका CET आसानी से जल्दी हो रहा है, साल में 2 बार हो रहा है, तो आपको उसको क्वालिफाई के चांसेस अच्छे खासे मिल रहे हैं, ठीक है, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आती है रिक्रूटमेंट की अगली स्टेप, अगला प्रोसेस मेंस। तो SSC या फिर RRB या फिर IBPS जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो मेंस कंडक्ट कराएंगी। अब वो एजेंसियां मेंस कब कंडक्ट कराएंगी, जब उनके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी, और वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उस एग्ज़ाम को कब, कितने दिन में कैसे कंडक्ट कराएंगी।
तो आपको सीईटी देने या क्वालिफाई करने से आपकी जॉब पक्की नहीं होती है, पहली चीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इससे एक तरीके से आप एक स्टेप पार कर पा रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप। यहाँ पे ये कहीं भी नहीं है कि आपकी जॉब जल्दी लगेगी। अगर गवर्नमेंट इसके अलावा ऐसे बोलती कि हाँ हमें यहाँ पे साल में दो बार IBPS का मेंस भी कराएंगे, SSC का मेंस भी कराएंगे, या फिर इतने रिक्रूटमेंट फुलफिल करे जाएंगे 100% गारंटी के साथ, तो आपकी रिक्रूटमेंट जल्दी होती, फास्ट होती। तो ये एक मतलब एक फेक टाइप चीज़ है कि आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। अब ये एक छोटी सी एनालॉगी लेके देखते हैं कि कहीं पे भी आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सलाद भी दिया गया है, पूड़ी सब्जी भी है और मिठाई भी है, लेकिन आपको आसानी से सलाद अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पूड़ी या फिर सब्जी में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, तो आपका क्या खाना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पेट भर के खाने के लिए आपको पूड़ी सब्जी खानी पड़ेगी। तो सेम थिंग इज़ हेयर कि आपको रिक्रूटमेंट या फिर जॉब लगने के लिए आपको पूरी प्रोसेस जितनी फास्ट हो उससे आपको फ़ायदा होगा, ना कि एक स्टेप को आगे करने से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंस और इसके लिए कोई भी ऐसा स्टेप, ऐसा कदम नहीं उठाया है। ठीक है, तो आप ये सोचें कि गवर्नमेंट आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट कर रही है, तो ये एक बड़ा लॉस है। ठीक है, यहाँ पे फ़ायदा आपका क्या है कि दो बार होगा तो आप आसानी से उसको क्वालिफाई करने के लिए बार बार प्रयास कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1000 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाएंगे इसके, तो उससे क्या होगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जो बोला गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो CET एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया तो उसके क्वालिफाई मार्क्स आपको 3 साल तक अवेलेबल रहेंगे, मतलब 3 साल तक वैलिड रहेंगे। तो 3 साल तक आप लोग उसका मेंस के एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला और कुछ लोगों को इसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। देखिए, इसमें अब दो थ्योरीज आती हैं इसके अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट के जो बोली गई है ये CET की, इसमें थ्योरी क्या है, दो थ्योरी हैं। ठीक है, दो थ्योरीज हैं। पहली तो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्वालिफाइड फाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरी थ्योरी है कि मेंस और प्री के बीच में जो मेजर डिस्टेंस आने वाला, बड़ा डिस्टेंस, ठीक है, जो बड़ा डिस्टेंस क्रिएट होने वाला उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहली जो थ्योरी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक चीज़ के, पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आप लोग मेंस के अलावा प्री में क्वालिफाइड हो गए हैं। ठीक है, साल में दो बार होगा, हर स्टूडेंट दो बार ट्राई करेगा और उसको क्वालिफाई करने के ट्राई करेगा, तो होगा क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते ही जाएंगे, इसमें कमी नहीं होने वाली है। किसी से फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकंड टाइम में होगा, किसी से थर्ड टाइम में होगा, फोर्थ टाइम में होगा, तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो पुल बनने वाला है, बहुत बड़ा पुल, ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा और मेंस के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई करती है कि मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट का हिस्सा हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि मेंस जो कंपटीशन है वो बहुत टफ लेवल पे होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर साल आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंक्रीमेंट है
जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो इंक्रीमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पे आपको दिखने वाला है, ठीक है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो ये यहाँ पे बहुत बड़ा पूल क्रिएट होगा और जिससे आपकी जो प्रोसेस है मेंस वाली वो बहुत टफ लेवल की होने वाली है, एसएससी की हो या फिर आरआरबी की हो या बात कर लें आईबीपीएस की, ठीक है। और सब क्वालिफाइड स्टूडेंट क्या है कि एसएससी के भी मेंस में बैठेंगे, उसके अलावा आरआरबी के में बैठेंगे और आईबीपीएस के में, तो इससे वही स्टूडेंट्स का जो है इंक्रीमेंट लार्ज स्केल पे होने वाला, लार्ज स्केल पे, ठीक है। अब दूसरी थ्योरी बात कर लेते हैं मेंस और प्री में जो डिस्टेंस मेंटेन होने वाला है, ठीक है, स्टूडेंट्स में जो इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट और एवरेज, एवरेज स्टूडेंट का जो डिस्टेंस मेंटेन होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ दे, दूसरी थ्योरी पे आते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्वालिफाइड स्टूडेंट हो गए 60% पे क्वालिफाइड मान लिया गया, ठीक है, कि 60% कोई प्री का जो सीईटी एग्जाम्स का क्लियर कर देता है वो क्वालिफाइड है मेंस के लिए। अब बात करते हैं मेंस में किन लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए बैठाया जाएगा, ठीक है, कि कौन लोग एग्ज़ाम्स मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो मेंस कौन दे सकता है, मान लीजिए कि मेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 200 वैकेंसी हैं, ठीक है, एसएससी की 200 वैकेंसी हैं, ठीक है, तो जो 200 वैकेंसी के लिए मेंस सिर्फ मेंस ही होना है, इंटरव्यू भी नहीं है, तो क्या करेंगे, क्वालिफाइड तो 60% हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो हर पर्सन को तो यहाँ पे 200 सीट्स के लिए मेंस में नहीं बैठा सकते। अब वो क्या करेंगे, इससे जो मेंस में जो अच्छे लेवल पे स्कोर करेंगे या फिर 95% स्कोर कर रहा है कोई, 90% या 80% स्कोर कर रहा है, अब मान लीजिए कि 95% स्कोर करने वाले ही 200 का डबल या फोर्थ टाइम डबल मान लो 400 स्टूडेंट मिल गए, या फिर बात कर लेते हैं 90 स्कोर करने वाले मिल गए, तो फिर जो 80% जिन लोगों ने 80% स्कोर किया है वो एसएससी के मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, राइट, उन्होंने 80% स्कोर तो किया है लेकिन मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। अब यही जो 400% है वैकेंसी आई किसकी, आईबीपीएस की, ठीक है, यही 400% किसका मेंस भी देंगे, इसका भी, आईबीपीएस का भी, और यही दो 400% आरआरबी का भी मेंस देंगे, क्यों, क्योंकि इनका स्कोर अव्वल दर्जे का है, वैकेंसी आएंगी कम और जो ऊपर के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको लिया जाएगा, इनके मेंस में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन इन्हीं 400 का होगा और इन सब जगह होगा, किसी ना किसी का तो होगा इन सब जगह, तो फिर बात करते हैं कि वो जो तीन जगह सेलेक्टेड होगा एक स्टूडेंट, जो तीनों जगह सेलेक्टेड होगा, दो जगह सेलेक्टेड होगा, तो वो किसी अदर पर्सन जो प्री में बैठता था जो इंसान उसकी नौकरी खाएगा। तो ये एक बड़ा ड्रास्टिक जो चैलेंज क्रिएट कर दिया गया है कि नौकरियां देनी नहीं है, ठीक है, तो वो। और एक बात सुनिए कि जो इसने 90% स्कोर किया है, 95% स्कोर किया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने, तो वो तीन साल तक वैलिड रहेगा। उससे क्या होगा, अब वही स्टूडेंट हो सकता है एसएससी की जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसी स्कोर से दोबारा अप्लाई करेगा, कुछ वैकेंसी जो 3 साल तक आने वाली हैं, ठीक है, तो उसमें फिर से वो मेंस में आसानी से बैठ पाएगा और उसे दिक्कत भी नहीं होगी। पहले एक प्रोसेस में क्या होता था कि अगर आईबीपीएस में किसी ने सिलेक्शन करवाना है तो प्री देगा फिर मेंस देगा, एसएससी में करवाना है तो उसका प्री देगा फिर मेंस देगा,
लेकिन यहाँ पे इसको पूरी छूट मिल रही है कि 3 साल तक वो किसी भी जॉब में अपने पुराने स्कोर पे अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा धोखा है एक तरीके से, कि आपको जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो जॉब्स का कैप्चर करेंगे, जॉब्स का कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉस वाला पॉइंट है मेंस और प्री के, अगर देखें तो दोनों ही थ्योरी अगर अप्लाई करेंगे आप, तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल बेस पे। लेकिन एक जो बेनिफिट है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए वो क्या है कि वो ज़रूर से ज़रूर नौकरी लग पाएगा, ठीक है। अगर उसने प्री में अच्छे मार्क्स एक बार निकाल लिए तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट आराम से जॉब लग पाए। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत भारी नुकसान है। क्यों है? क्योंकि वो इम्प्रूव करता जाएगा स्कोर, मान लो 80% से उसने स्कोर किया 85%, ठीक है, फिर वो अप्लाई करेगा इन जॉब्स की वैकेंसी के लिए, उससे पहले जो 90 स्कोर कर रखा है वो तो दोबारा से अप्लाई कर देगा, ठीक है, और वो मेंस में सेलेक्टेड भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको मेंस में अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम्स में वैलिडिटी मिलेगी, एग्ज़ाम्स देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा ये जॉब्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंट और एवरेज वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर चीज़ें मेरी बात समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, समझ में आ रही हैं, अच्छी लगी हैं, और इसमें कोई ड्रॉबैक्स आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।